विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही जी हम निगरण कौन करेंगे दो बात की साहसिक प्रयास है आपको क्या लगता है कि आज का यूथ है मतलब देखिए जो इस फिल्म के निर्माण में झेलू का लगा 2016 का नारा था भारत का उसका मैंने जवाब दिया कि लोग अपनी सनातनता को भूले नहीं अपने जड़ों को जाने उसको पहचाने उसके लिए संस्कृत बोलना जरूरी है संस्कृत जानना जरूरी है मैंने उसके निर्माण किया और एक अच्छी फिल्म बनाई आज़ाद आज़ाद खुद काशी विद्यापीठ के अच्छे विद्यार्थी रहे संस्कृत के तो व्यक्ति मैंने छूने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ अच्छा हो सर आपके अकेले से ये भाषा बच पाएगी क्या प्रयास से सर मैंने कोशिश की है आज मैं अकेला जरूर मिलकर आने वाला कल देख रहा हूँ भारत का आने वाले कल मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चा बच्चा अपने हाथ भगवा ध्वज लिए हुए और भारत माता जय बोलता हुआ संस्कृत बोल रहा है संस्कृत पी रहा है संस्कृत खा रहा है संस्कृत सोच रहा है आपने विषय में देश प्रेम को लेकर लिया आजाद का आपने किताब को तो दोनों संस्कृत को खाना और देश प्रेम को साथ साथ जोड़ा है आज़ाद काशी विद्यापीठ में कुछ संस्कृत के मेरे स्कॉलर थे कह सकते हैं कि वहाँ पर रह चुके हैं तो संस्कृत आज़ाद के बहाने सब संस्कृत जाने यानी हमारे पुरातन को लेंगे हम लोग तो संस्कृत हमारी जो मूल भाषा थी हम सैकड़ों भाषाओं की जननी संस्कृत रही है जो मृत प्राय है तो पीड़ित है हम कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेंगे हम कोशिश ये कि लोगों तक पहुँचे तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं समाज सिनेमा का आना है मैं कोई किताब लिखता कुछ लिखता उनको सीमित हो जाती है सिनेमा के माध्यम से हमको वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ लोग रहते हैं सिनेमा का जो फिल्म है कई भाषाएं ऐसी भारत की भी जो सौ में आते हैं देखते फिल्म के माध्यम से संस्कृत आप समझोगे बहुत सरल भाषा है कहने वाले यदि एकम सत्य बोधा वृद्धि कहने के लिए एक आख शब्द बोलते हैं ज्ञानियों के उत्साह लक्ष्य ज्ञानी एक ही विषयों कई प्रकार से बोलते हैं कोई भाषा है ये भाषा में जाओगे इससे आसान भाषा आपको दिखेगी नहीं जहाँ आपने उपयोग शुरू किया आपको लगे ऐसे अच्छा भाषा निकाली हम श्लोक में पंडित पूजे पूजा अपने लक्ष्य मिलते इस बात को एक बार चाहूँगा लोग ज्ञानी समझे कई समस्याओं का समाधान संस्कृत करते हैं 14-15 हज़ार शब्द हैं इंग्लिश के उसका इस्तेमाल करते हैं लाखों शब्द और संस्कृत अपार संपदा होने के बाद भी संस्कृत पीड़ित है तो हमने कोशिश की है कि उम्मीद है कि कल भारत का संस्कृत में होगा सर और भी तरीका होता है भाषा को प्रमोट करने का लेकिन ये तरीका ये आसान है वो कठिन है गाँव गाँव भी हम लोगों का सत्य बोला लेकिन लोग फिल्म देखते हैं थिएटर है कई जगह जाए मतलब इसका इसके माध्यम से सैकड़ों थिएटर पहुँचोगे वहाँ लोगों तक पहुँचोगे सिनेमा एक आसान माध्यम लोगों तक पहुँचते हैं कई किताबें ऐसे वेद है उपनिषद है पुराण है कितनी जानकारी आपको और कितनी जो मूल लिखी संस्कृत के अंदर है कि आपने पढ़ा नहीं लेकिन आपको सड़क पर लिखित भाषा उतरता हो आप घर के आप पास की थिएटर में उतरता हो तो आपको आसानी होगी दीदी तुम्ही मर्म तुम्ही प्राण शरीरे पावते तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति